और अभी की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। मुंबई में बाबा सिद्ध की हत्या के बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकती है बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह। बांद्रा के दो प्रोजेक्ट पर विवाद से जुड़ा था बाबा सिद्दीकी का नाम। जो जानकारी हमें मिल रही है, संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी का मानना था कि प्रोजेक्ट से झुग्गी झोपड़ी वालों को नुकसान होगा। प्रोजेक्ट के लिए सर्वे की टीम का बाबा सिद्दीकी के बेटे ने विरोध किया था। माना यही जा रहा है कि प्रोजेक्ट के विरोध के चलते बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। सूत्र हमें यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रॉपर्टी विवाद, इन सब के पीछे बांद्रा के दो प्रोजेक्ट का नाम सामने आ रहा है। संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। उनका मानना था कि प्रोजेक्ट से झुग्गी झोपड़ी वालों को नुकसान होगा। प्रोजेक्ट के लिए सर्वे की टीम का बाबा सिद्दीकी ने विरोध भी किया था। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारी मेघा प्रसाद मौजूद है और मुंबई से आपको गणेश ठाकुर भी नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी। मेघा, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरीज आती रही उसमें सबसे ज्यादा ये कहा जाता रहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, वो मामला हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक नई बात अब निकलकर सामने आ रही है। एब्सोल्युटली, थोड़ा मैं इसे पर्सपेक्टिव में डाल दूं। हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है। एबीपी पे हम ब्रेक कर रहे हैं अभी। देखिए, ऐसा है कि पिछले तीन दिन से, जब से ये हत्याकांड हुई है, तब से जांच बिल्कुल स्पीड से चल रही है और उस जांच में दो चीज़ बहुत प्रमुख होकर बाहर आई है। पहला कि ये जो शूटर्स हैं वो सुपारी किलिंग इन शूटर्स ने करी है। इनको सुपारी किसने दी है ये मुंबई पुलिस के पास अभी जानकारी नहीं है, पर इन्हें पैसे देकर एक काम करवाया गया और जो शूटर्स पकड़े गए हैं उन शूटर्स को ये नहीं पता है कि क्या मोटिव है इस किलिंग की, तो वो एक बात है। लेकिन शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से है ये एस्टैब्लिश हो रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है, क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की है वो अभी तक अपनाई नहीं गई है। यहाँ अगर लॉरेंस बिश्नोई कोई भी इस तरीके के वारदात को अंजाम देता है तो अपने गुर्गों द्वारा, तो वो बहुत बढ़ चढ़ के इसकी जिम्मेदारी लेता है, ये नहीं हुआ है। और बाकी कुछ ऐसी भी इश्यूज हैं जिससे मुंबई पुलिस को लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का काम नहीं है, कोई वजह भी उनको नहीं मिल रही है। ये सब होते हैं, लेकिन साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच चल रही है, वो एक दूसरे डायरेक्शन में मुंबई पुलिस को लेके जा रही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है, जैसे आपने नाम बताया, दो SRA प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, एक संत ज्ञानेश्वर नगर और एक भारत नगर। ये दोनों प्रोजेक्ट्स बांद्रा BKC, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का एरिया है मुंबई के बीचों बीच, वहाँ चल रहा है। और बहुत लंबे समय से बाबा सिद्दीकी और उनके पुत्र ज़ीशान एक तरफ और दूसरी तरफ जो बिल्डर्स हैं इसमें और इन्वॉल्व, उनके बीच में नोकझोंक बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने से मामला बिगड़ा क्योंकि जो दूसरे बिल्डर है, और मैं यहाँ पर पुराने DB रियल्टी ग्रुप की बात कर रही हूँ, वो उनका नया नाम वैलर इस्टेट है, वो यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट है संत ज्ञानेश्वर नगर में, और वो बाकी बिल्डर्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ मिलके उन्होंने जुलाई के महीने में ये डिसाइड किया था कि 10 एकड़ की लैंड इस संत ज्ञानेश्वर नगर वाले SRA प्रोजेक्ट में 10 एकड़ की लैंड को वो डिवेलप करेंगे। वहाँ पर कुछ 5,500 जैसे घर बनाए जाएंगे, एक भव्य 5-स्टार होटल बनेगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सब चीज़ें हो रही थी। इस वक्त जब सर्वे करने के लिए ऑफिशियल वहां पहुंचे तो ज़ीशान का फिजिकल विरोध था वहां पर। इनफैक्ट मुंबई पुलिस के पास एक केस भी दर्ज है ज़ीशान के अगेंस्ट कि उन्होंने लोगों को रोका वहां सर्वे करने के लिए। अब इनकी परेशानी क्या थी, बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान की परेशानी ये थी, वो खड़े थे स्लम ड्वेलर्स के साथ, उनका ये कहना था कि बिल्डर्स पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं, डार्क में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं जिन लोगों का घर जाएगा, उनको रीडेवलपमेंट में क्या मिलने वाला है, कितना बड़ा घर मिलने वाला है, क्या टाइमलाइन है, कुछ नहीं बताया जा रहा था लोगों को, ऐसा उनका कहना था, ज़ीशान और बाबा सिद्दीकी का कहना था। उनका विरोध थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था पिछले 2-3 महीने में, तो ये नोकझोंक तो चल ही रही थी। मुंबई पुलिस की जांच उस डायरेक्शन में जा रही है जहां मुंबई पुलिस को लगता है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या SRA के ऊपर जो विरोध जता रहे थे, क्या ये उसकी वजह से हुआ है। शूटर्स हो सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से, मगर यहां ये पूरा सलमान खान एंगल जो पहले से बताया जा रहा था वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, गणेश ठाकुर से समझते हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र की हर खबर
बिल्कुल सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाते रहते हैं गणेश। तो कुल मिलाकर क्या यह कहा जा सकता है कि मास्टरमाइंड कोई और है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सिर्फ इसको हत्याकांड को अंजाम देने में हाथ होगा? बिल्कुल अखिलेश, ये कवर अप है क्या, इस बारे में अब मुंबई पुलिस जांच कर रही है। इससे मेघा ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की एक मोडस ऑपरेंडी है। आपको पता होगा कि जब जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या को अंजाम दिया, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो या दूसरे जिन बिजनेसमैन पर हत्या हुई या फायरिंग की गई, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हैंडल्स थे। वो फेसबुक के हैंडल्स थे और ट्विटर के हैंडल थे, प्रोमिनेंटली फेसबुक के हैंडल्स थे जहाँ पर उसकी ओनरशिप हुई। इन हैंडल्स के जरिए अगर जब जिम्मेदारी ली जाती है तो उसका सीधा लिंक लॉरेंस बिश्नोई से होता है और लॉरेंस बिश्नोई ने कराया है, ये पूरे पुलिस महकमे को पता चल जाता था और एजेंसीज को पता चलता था। दूसरी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई से अब तक तो पुलिस ने संपर्क कर लिया होगा, चाहे वो साबरमती जेल के जेलर के जरिए हो, क्योंकि उनका एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क के जरिए अपने अनऑफिशियल चैनल के जरिए मुंबई पुलिस के आला अधिकारी जेलर्स और जो जेल स्टाफ है उनके जरिए लॉरेंस बिश्नोई तक अपने अनऑफिशियल नेटवर्क से पूछताछ उन्होंने की होगी या उनसे पूछा होगा कि क्या इसमें कोई रोल है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो खुद ये कहेगा कि हाँ, डंके की चोट पे कहेगा मैंने ये किया है। अब तक अगर मुंबई पुलिस उस दिशा में पूरी तरह से नहीं जा रही है, एसआरए का एंगल भी खंगाल रही है, उसमें भी उनको वो जाकर पूछताछ कर रही है, इसका साफ मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक ओनरशिप नहीं ली है। शुभम लोनकर कनेक्शन था, लेकिन क्या ये कवर अप है? कवर अप इसलिए है क्योंकि जो मास्टरमाइंड इनके पीछे हैं उनको ये पता था कि अगर इसमें उनका रोल सामने नहीं आना है तो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इजीएस्ट वे था बाबा सिद्दीकी और सलमान का रिश्ता जोड़ना, लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स को हायर करना और उसके जरिए अगर बाबा की हत्या होती है तो शक और थियरी सलमान खान को लेकर ही आएगी, क्योंकि सलमान खान के खून का प्यासा लॉरेंस बिश्नोई है, सबको पता है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट एंगल था उनके लिए और ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया क्या, इसी दिशा में पुलिस जारी है और यही वजह है कि एसआरए 1000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि कोई क्योंकि सवाल उठेंगे कि क्या एसआरए के लिए इतनी बड़ी साजिश होगी, हत्या की जाएगी। अब देखिए, कोई भी बिल्डर होता है, आजकल तो 50,000 रुपए के लिए हत्या होती है, कोई भी बिल्डर 1000 करोड़ का अगर नुकसान झेल रहा है वो रूथलेस होते हैं। कोई भी डेवलपर अगर उसका नुकसान हो रहा है और लग रहा है कि मेरा भारी नुकसान होगा, नई चीजें तो ये एंगल देकर तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका, मेघा भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी बात जो नजर आती है, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, यहां पर तमाम सरकारी प्रतिष्ठान है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर है, बड़े लोग रहते हैं, वीवीआईपी लोग रहते हैं, क्या यहां पर इतनी आसानी से ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है? ABP News, आपको रखे आगे।